ये जो ये वेलफेयर ट्रस्ट है बिजनौरी का, और बिजनौर तो आपको मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है, क्योंकि हमारे बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिजनौर के थे, और एक शायर भी थे बहुत फेमस, शायद बिजनौर ही रोल रहे, तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत ताल्लुक़ है, और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इनका जो मकसद है उनका पूरा होने के लिए हुआ। अभी तो मैं देखूँगा, निकल के तो आना चाहिए, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ इंसेंटिव होगा, जिन्होंने निकल के आना है वो तो उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनका झुकाव है, अगर वो सीरियसली लेंगे तो वो भी निकल के आएंगे। मैं अपनी तरफ से अपने दिल से पूरी शुभकामनाएँ देता हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हों, और जो भी बच्चे इनके थ्रू आगे आए उनको सफलता मिले, उम्र वाला उसको कामयाबी दे। बहुत अच्छा इवेंट है ये, और ये तीसरी बार हो रहा है जी सर, और मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इसमें, एंड इट्स अ प्लेजर एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये ट्रस्ट पे को मैं सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से मैं ट्रस्ट करता हूँ, बाकी ट्रस्टों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट इस ट्रस्ट को मैं ट्रस्ट करता हूँ कि इसमें जो लोग हैं अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इसलिए दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रस्ट। ये इवेंट अच्छा है, और जो भी लोगों को ये लोग अवार्ड दे रहे हैं उनकी काबिलियत पे दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, और मैं भी इसमें शामिल हूँ, मुझे भी एक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया है, जो बाकी लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी लोग जो चुने हैं, इससे लोगों को उत्साह बढ़ेगा और लोगों के भी काम करने का आगे तजुर्बा बढ़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए एजुकेशन की तरफ से, तो क्योंकि आज जो हमारे यहाँ यूथ है, यूथ को बहुत सारे बढ़ावे की ज़रूरत है, क्योंकि पहले इन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, आज हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है, वो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि उन्हें करना चाहिए और बड़े स्तर पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छे नेक काम के लिए है, यानी कि गरीबों की मदद करते हैं बिजनौर में और बाकी इलाकों में, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और बाकी वहाँ एक अरोड़ा साहब हैं, बाकी डॉक्टर वगैरह हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि वाकई तालीम और ज्ञान भी ये लोगों को देते हैं, मतलब स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज वगैरह में, और बहुत ही नेक काम है, न सिर्फ बिजनौर के लिए, यूपी के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि अगर ये काम जारी रहे तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी तकरीर में कह दिया है कि जब भी मेरी ज़रूरत महसूस करें तो मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इन्हीं की नहीं बल्कि आप और भी लोग आए हैं जिन्होंने बताया मुझे कि ओल्ड एज होम चला रहा है तो कुछ चला रहा है, तो वो हमारा फ़र्ज़ है, और मैं हमेशा जैसे हमारे वालिद साहब थे, पिताजी थे, वो भी बड़े देशभक्त थे, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार था, यहाँ के आवाम से बड़ा प्यार था, जो भी मुझसे हो सकता है कि वो मेरा करना मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और मैं आखिरी दम तक करता रहूँगा, और इनका मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ, क्या गाया इन्होंने और क्या इन्होंने सबका दिल बहलाया है, और बड़ी खुशगवार शाम है।